प्रदेश की 33,000 से अधिक खदानों के लिए राज्य सरकार नई नीति लागू करने के लिए जल्द ही माइनर मिनरल कंसेशन रूल्स लागू करेगी। खनन में रॉयल्टी वसूली, ठेका प्रथा खत्म होगी। कुम्हारों को लाभ देने के लिए व्यवसायिक उपयोग पे ईंट मिट्टी पर रॉयल्टी में छूट मिलेगी। बजरी रेट को कंट्रोल करने के लिए पोर्टल व्यवस्था भी लॉन्च होगी, जो आम जन को उचित दर पर बजरी उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। ये स्पेशल रिपोर्ट देखिए। नई खनन नीति में खान विभाग अवैध खनन के स्थानों को नियमित कर वैध खनन करने की दिशा में काम करेगा। हालांकि इसके लिए विभाग की ओर से कई जिलों में पहले ही जगह चिन्हित की जा चुकी है। अवैध खनन पर जुर्माना राशि 2 से 3 गुना किया जाना भी संभव है। ड्राफ्ट में वाहन जब्ती का प्रावधान भी शामिल है। आपको बता दें कि 2015 के बाद बड़े स्तर पर खनन नीति राजस्थान सरकार ला रही है। जीरो वेस्ट माइंस पॉलिसी का ड्राफ्ट, खान विभाग ने जीरो वेस्ट माइंस पॉलिसी का खाका तैयार किया। तकनीक के जरिए वेस्ट को उपयोगी बनाने पर फोकस, एम्स एंड यूज और बढ़ावा देने के लिए योजनाएं तैयार की गई। नए नियमों में सरकारी भूमि पर ओवरबर्डन डंपों की ई नीलामी होगी। नदी की रेत पर निर्भरता को कम करने के लिए नई एम्स एंड नीति तैयार होगी। नियमों का उल्लंघन करने पर खनन से जुड़ी सरकारी रियायतें खत्म होंगी। खान ट्रांसफर जैसे विकल्प भी खान मालिकों के लिए खुले रहेंगे। खदानों का सीमांकन से जुड़े विवादों का भी समाधान होगा। खान विभाग खनन से जुड़े विवादों को भी खत्म कराएगा। नई रियायतों, ऑटो म्यूटेशन की शुरुआत कर नियामक प्रक्रिया सरल होगी। सतर्कता विंग का डिवीजन कर खनन विंग में विलय होगा। अवैध खनन रोकने के लिए विभागीय कैडर का पुनर्गठन होगा। निगरानी के लिए कॉम्पैक्ट क्षेत्राधिकार के साथ इकाई बनाई जाएगी। प्रबंधन संस्थानों में उच्च शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति योजनाएं शुरू होंगी। GSI, IBM और अन्य संबंधित संस्थानों की मदद से प्रशिक्षण कैलेंडर बनेंगे। खनिज रियायत के लिए उन्नत तकनीक प्रशिक्षण मॉड्यूल विकसित होंगे। नई खनन नीति के अनुसार खातेदार की सहमति से सटी भूमि पर भी खनन हो सकेगा। 1 हेक्टेयर से कम सरकारी भूमि से खनिज रियायत प्रदान करने के लिए प्रावधान संभव है। सार्वजनिक रूप से राज्य में खनिजों पर डेटा टाइमलाइन तैयार होगी। अधिसूचित अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों में स्थानीय समुदायों की अधिक भागीदारी तय होगी। बजरी के लिए पोर्टल का गठन होगा। उपभोक्ताओं को सही रेट में बजरी और अवैध बजरी के परिवहन पर रोक लग सकेगी। प्रदेश की जीरो वेस्ट खनन नीति का ड्राफ्ट बनकर तैयार है। स्टेक होल्डर से सुझाव मांगे गए और जल्दी ही सुझाव आने के बाद उसमें आंशिक परिवर्तन कर इस नीति को लागू कर दिया जाएगा। खास बात यह, इस बार एम्सेंड नीति भी खनन नीति के साथ साथ आ रही है। खनन नीति में अवैध खनन को वैध करने के लिए नियमित करने की योजना पर भी विचार किया जा रहा है। साथ ही साथ अवैध खनन के खिलाफ कड़े प्रावधान भी इसके अंदर लागू किए जाएंगे, ताकि अवैध खनन माफिया को प्रदेश से उखाड़ फेंका जा सके, राजस्व बढ़ाया जा सके, नियमों का सरलीकरण किया जा सके, ताकि निवेशक ज़्यादा से ज़्यादा प्रदेश में आए और खनन क्षेत्र के अंदर निवेश करें। निर्मल तिवारी, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।